वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो लोग परचेजिंग करते हैं हमारे वेब स्टोर से या स्टोर में आके। पर्पस था दो SMD हैं, फिर वही सवाल उठता है कि जिसके पास 857 DW है वो बोलेगा 859 DW जो है वो बेकार है, और जिसके पास 859 DW है बोलेगा अरे नई SMD बनाइए कोई नहीं बहुत अच्छी है। दोनों SMD बिल्कुल सेम है, 580 वाट के ऊपर हैं, एलिमेंट का कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस अगर किसी चीज़ का है तो 859D विद चैनल है। उसमें क्या है कि आप टेम्परेचर प्री डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने रखा हुआ है तो ये पूरा जो है 220 के ऊपर जाके रिवर्स हो गया है, प्रॉपर जो है ये निकाल रही है। और यही चीज़ हम अब चेक करेंगे 857 DW के ऊपर। इसको मैं वापस रख देता हूँ, स्लीप मोड में आ जाएगा। ये स्लीप मोड में आती है तो इसकी एयर जो है प्रॉपरली फुल हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी। अब यही चीज़ जो है हम इसको उठाते हैं और इसके ऊपर हम चेक करते हैं, इसका टेम्परेचर भी जो है 220 चला गया। इसमें 220 सेट करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बिल्कुल सेम है, 215, कोई प्लस माइनस 5% का डिफरेंस रहता है, लेकिन ये 219 से 217, 218, 219 पे ऊपर नीचे हल्का सा बैक होता रहेगा। दोनों के अंदर फैन इनसाइड लगा हुआ है, 2000D 2008 के अंदर जो है फैन जो है वो हेडल के अंदर है। कई बार क्या होता है उसके अंदर वाइब्रेट होता है। इसके अंदर क्या है कि इसमें 859D जो है ये मैक्सिमम जो है आपकी 450 वोल्ट तक जाएगी, लेकिन ये जो आपकी 859D है ये आपकी मैक्सिमम 500 डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी, 500 सेंटीग्रेड तक इसका जो है टेम्परेचर चला जाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा है। तो अगर हम BGIC की भी बात करें या काम करने की भी बात करें तो ये SMD भी 580 वाट पर है और ये SMD भी 580 वाट पर है, तो ऑब्वियसली ये वाली SMD जो है ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा काम कर देगी आपका, क्योंकि वोल्टेज का जितना ज़्यादा होता है और ये 500 डिग्री सेल्सियस तक जाती है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। बाकी SMD की अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर जो है टेक्निकली लॉकिंग और अनलॉकिंग का सिस्टम दिया गया है कि आप चैनल को लॉक कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। दूसरी चीज़ ये सिर्फ टेम्परेचर को डिस्प्ले पे शो करता है, एयर कितने DBM चल रही है उसको शो नहीं करता, जबकि ये वाली SMD जो है अगर आप इसको उठाएंगे तो ये आपका टेम्परेचर भी शो करती है और फ़ैन की स्पीड भी शो करती है। साथ में अगर फ़ैन में प्रॉब्लम होगी तो ये FE का एरर देगा, अगर एलिमेंट में प्रॉब्लम होगी तो ये HE का एरर देगा, और सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होगी कंट्रोल कार्ड के अंदर तो यू कैन ईजिली जो लोग रिपेयर करते हैं उनको ईजिली समझ सकते हैं कि SMD में कहाँ पर फॉल्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। विजिट कर सकते हैं हमारी शॉप को, 102 नेटवर्क प्लाजा के अंदर फर्स्ट फ्लोर। वेबसाइट से खरीद सकते हैं www.simlocommunication.com। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो SMD जो है दोनों ऑसम है, क्विक की हैं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों जेन्युइन है। सिर्फ डिफरेंस बताना था इसलिए बनाया। इसमें कोई भी SMD ऐसी नहीं है जो अपने आप में कम काम करती हो या दूसरी ज़्यादा काम करती हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।